इंडिया के सबसे खूबसूरत एंड ऑलमोस्ट सेक्लूडेड बीचेस। क्रिस्टल क्लियर वाटर, इनफेमस काला पानी जेल, कल्चरल आर्कोलॉजिकल एंड सी लाइफ म्यूजियम्स, ये सब कुछ सिर्फ एक ही ट्रिप में। तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक ताकि आप इस ट्रिप से जुड़ी कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिस ना करें। गौरव एंड नीति आपका स्वागत करते हैं अंडमान ट्रिप के सीरीज में और आपको लेके चलते हैं इस अनटच्ड पैराडाइज में। We reached in Port Blair and it took around 2.5 hours from Hyderabad. So we reached our hotel. This is basically a homestay. इस बालकनी से आप पूरा शहर और उसकी ग्रीनरी देख सकते हैं और सामने वाले पॉन्ड में लोटस भी। थोड़ा रेस्ट करने के बाद हम अपने रेंटेड स्कूटर से निकल पड़े सेलुलर जेल के लिए, विच इज ऑल्सो नोन एज काला पानी। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, हम लोग पहुंच चुके हैं सेलुलर जेल। सबसे पहले आपको म्यूजियम मिलेगा जिसमें फ्रीडम फाइटर्स और उनके रेवोल्यूशन के बारे में डिटेल्ड इंफॉर्मेशन दी गई है। यह है सेलुलर जेल और इस जेल का ये है एक कैदी खाना। यहाँ आप देख सकते हैं नीचे ईंट बिछे हुए हैं और ये पीछे खिड़की है जिसपे एक शटर है, तो यहाँ से कोई उजाला आता नहीं होगा। और ये सिर्फ एक छोटा सा दरवाजा है। ऐसे यहाँ बहुत सारे सेल हैं। यहाँ आपको रियलाइज होगा कि कितनी क्रुएल्टी के साथ ब्रिटिश हमारे फ्रीडम फाइटर्स को ट्रीट करते थे। जेल के इन 6 ब्लॉक्स में से अब सिर्फ 3 बचे हैं। जेल के रूफ टॉप पे जाना अलाउड है और यहाँ से बे ऑफ बंगाल और बोस आइलैंड का खूबसूरत नजारा दिखता है। इवनिंग में यहाँ पर लाइट एंड साउंड शो होता है जिसमें इस जेल और फ्रीडम फाइटर्स की कहानी बताई जाती है। एंड द शो इज हाईली रिकमेंडेड। ये शो डिफरेंट लैंग्वेजेस में होता है तो आप अपनी लैंग्वेज के हिसाब से टिकट और टाइमिंग डिसाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग हम निकले पोर्ट ब्लेयर के म्यूजियम देखने के लिए। ये है जोनल एंथ्रोपोलॉजिकल म्यूजियम। इस म्यूजियम में यहाँ के ट्राइबल लोगों के लाइफस्टाइल के बारे में दिखाया गया है। नेक्स्ट म्यूजियम है नेवल मरीन म्यूजियम, ऑल्सो नोन एज समुद्रिका। ये म्यूजियम ट्राइबल लाइफ के साथ मरीन लाइफ पे काफी ज्यादा फोकस्ड है। ये सब देखने के बाद चलते हैं अंडमान की मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेस हैवलॉक। हम पहुंच चुके हैं इस समय हाडू वे पे। यहाँ से हमें ग्रीन ओशन वन मिलेगी हैवलॉक के लिए। ऑटो और टैक्सी का प्राइस यहाँ पे बहुत ही रीजनेबल है। हम अपने एयरपोर्ट से अपने होटल पे हम 150 रुपये प्रीपेड टैक्सी जो हमने एयरपोर्ट के अंदर से उससे पहुँच गए थे और हम अपने होटल से यहाँ पर पहुँचे हैं 130 रुपये। ओवरऑल जैसे हम दूसरी जगह की बात करें तो यहाँ उतना ज़्यादा पैसा नहीं लेते हैं लोग आपसे। इट्स वेरी गुड। अगर आपको फेरी या अंडमान ट्रिप के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो प्लीज़ लेट अस नो इन कमेंट्स। विल मेक अ सेपरेट वीडियो अबाउट एवरीथिंग यू नीड टू नो अबाउट अंडमान।
ग्रीन ओशियन वन में जाने का फ़ायदा ये होता है कि आप डेक पर जाके पूरी जर्नी को इस तरह से एंजॉय कर सकते हैं। और हैवलॉक के पास पहुंचते ही कुछ ऐसे सरीन बीचेस दिखाई देने लगते हैं। हैवलॉक पोर्ट की इस जगह पर आपको क्रिस्टल क्लीन वाटर में कलरफुल फिशेस देखने को मिल जाएंगी। So we have reached Havelock after 2.5 hour journey from Green Ocean One. I have read reviews on Google and on the websites that you'll feel motion sickness on cruise. But personally, I have motion sickness. I didn't feel that. फिर हम होटल पहुंचे, चेक इन किया, एक स्कूटर रेंट पर लिया और निकल पड़े एशिया के बेस्ट बीच के लिए। It's Radhanagar Beach. You can have a look. It's really beautiful, really awesome. And there is a lot of crowd over here and it's a beautiful sunset going to happen. यहाँ गोवा की तरह लेट नाइट पार्टीज नहीं होती हैं, शाम 6 बजे सारे बीच क्लोज हो जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग हम पहुंचे सनराइज देखने काला पत्थर बीच। एंड गेस व्हाट, बीच पर हमारे अलावा और कोई भी नहीं था। इट फेल्ट सो अमेजिंग, इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ प्राइवेट बीच। एंड इट्स टाइम फॉर सम इंस्टा पिक्स। राधानगर बीच के रास्ते में ही ये एक स्पॉट है, यहाँ 1.8 किलोमीटर का ट्रैक करके आप एलिफेंट बीच पहुँच सकते हैं, जहाँ काफ़ी वाटर एक्टिविटीज़ होती हैं। बट कभी कभी इस रास्ते में हाई टाइड्स की वजह से पानी भर जाता है। यहाँ ट्रैक के अलावा आप पोर्ट से स्पीड बोट से भी पहुँच सकते हैं। हम यहाँ टाइम कम होने की वजह से नहीं जा पाए। राधानगर बीच के पास ही आपको खाने पीने से लेकर छोटी मोटी शॉपिंग की दुकानें मिल जाएंगी। बीच पर ही लॉकर रूम, वॉशरूम और रेस्टोरेंट भी अवेलेबल हैं। फिर जंगल जैसे दिखने वाले इन घने पेड़ों के बीच से होते हुए हम राधानगर बीच के दूसरे हिस्से में पहुंचे, जहां लोगों के नाम पर बस कुछ फॉरेनर्स ही थे। अंडमान सीरीज के पार्ट टू में पोर्ट ब्लेयर वापस चल के वहाँ के एकमात्र बीच कॉर्बन कोव चलेंगे और फिर चिड़िया टापू से सनसेट देखेंगे। एंड ऑन लास्ट डे बोस आइलैंड की खूबसूरती और हिस्ट्री जानेंगे। सो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड कीप सीइंग द ब्यूटीफुल वर्ल्ड विद अस। And let us know in comments if you want any update or modifications. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।